हर चीज को अगर हम पॉजिटिव तरीके से देखें, और आई थिंक दैट इज ब्लेसिंग इन डिसगाइज, कि जब मुख्तलिफ हमारे ड्रामे को तो कोई भी लेट डाउन नहीं कर सकता, ये मेरा मैं यकीन से कह सकती हूँ, क्योंकि हमारा ड्रामा जो है इट हैज़ बिकम ड्रामा इंडस्ट्री फॉर श्योर, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं। लेकिन मैं समझती हूँ अगर हम उसको कंपेयर करें, और जैसे जैसे कहते हैं कि जब तक मुकाबला ना हो, एक ही आदमी कैसे फर्स्ट आए, तो अगर एक होगा तो मुकाबला होगा, तो इसको मुकाबले की तरह से देखिए कि अगर तुर्की ड्रामे हैं या कोई और से ड्रामे हैं तो हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज है। अगर ड्रामे इसी तरह मैं फिल्म इंडस्ट्री में भी कहती हूँ कि अगर हम जब तक दूसरे ममालिक की फिल्में नहीं लाएंगे, हमारी चीज़ें ग्रो नहीं करेंगी, तो जब तक हेल्दी आपके आपके साथ जो है वो मुकाबला नहीं होगा, तो चीज़ें मैं इसको समझती हूँ कि आएंगे, तो बजाय हम इसको क्रिटिसाइज करें, ये चीज़ें मज़ीद बेहतर हो सकती हैं। कुछ हम किसी से सीखना कोई बुरी बात नहीं है, उनकी टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, लेकिन ये कहना कि किसी कहीं का बाहर का ड्रामा आके हमारे ड्रामे को जो है वो लेट डाउन करेगा, नो दैट इज़ इम्पॉसिबल। हमारे पास वो आर्टिस्ट हैं, हमारे पास वो लिखारी हैं, हमारे पास वो लोग हैं कि अगर हम सच्चे दिल से उनकी कदर करें तो हमें तो कभी भी कोई नहीं मार दे सकता। तो मेरा तो ये मानना है, चाहे वो तुर्की ड्रामा हो, चाहे वो तुर्की दुम्बा हो, चाहे कुछ और भी हो, लेकिन हमारे ड्रामे को कोई नीचा नहीं कर सकता। तो ये क्या मकसद है, बोल नहीं हो रहा, दिखाने को तो हम क्या क्या दिखा रहे होते हैं, इश्तिहार पता नहीं किस किस चीज के चल रहा है, आज आके सारा मलबा ड्रामे पे क्यों होता है। ड्रामा अगर बोल नहीं होगा तो फिर क्या करें, इस जमाने में टोपी वाले बुरखे वाले ड्रामे बनाने शुरू करते हैं। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई है कि जिस ड्रामे में उसका कंटेंट उससे जुड़ा हुआ है और उस उन चीज़ों को छुपा कर हम करेंगे क्या, मुझे बताइए ना। ये मैं सवाल आपसे कर रही हूँ कि अगर ड्रामे को हम बोल्ड नहीं होता जा रहा, तो जैसा जैसा ज़माना चल रहा है, जैसे दुनिया चल रही, ड्रामा भी तो उसी के हाथ से लिहाज से बनेगा। फिल्म इंडस्ट्री का मैं हमेशा से ये मेरी नाकिस सफल ये कहती हूँ कि जो हमने फिल्में बंद कर दी, अब आई डोंट नो यहाँ नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरी नाकिस सफल काट दीजिएगा अगर आपको ज़रूरत महसूस हो। जब तक हम ये मेरी नाकिस सफल कहती है, मैं किसी आई एम नॉट इम्पोजिंग एनीथिंग ऑन एनीबडी, बट जब तक बराबर वाले मुल्क की इंडिया की फिल्में नहीं लगेंगी, हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी। फिर मैं आपसे यही अर्ज कर रही हूँ कि उसको हम ब्लेसिंग इन डिसगाइज के तौर पे क्यों नहीं देखते, कि जब तक हमें अगर उस मार्केट के लिए कोई चीज़ होगी, अगर एक ही दुकान होगी पूरी मार्केट में, तो अगर चार दुकानें होंगी तो चीज़ें ठीक से बिकेंगी ना। तो अगर हमारी इससे क्या लड़ाई है, इससे कि आप जाके लड़े बॉर्डर पे लड़े, यहाँ क्या लड़ने की ज़रूरत है। तो अगर इससे आपको एक हेल्दी एटमोसफेयर मिलता है तो वाई नॉट, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, भले कोई कुछ भी कहते, बहुत से लोग एतराज़ करते हैं कि गुल साहब ऐसे कहते थे, जब तक वहाँ की मूवीज़ नहीं आएंगी, कंपैरिजन नहीं होगा, चीज़ें नहीं चलेंगी, जो मर्जी कर लें आप।